क्या आपके घर में लगे गुलाब के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं या आना बंद हो गए हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज आपको ऐसे अचूक तरीके पता चलेंगे जिन्हें आप अपने गुलाब के पौधे पर आजमा कर अपने गुलाब के पौधे से पुनः ढेर सारे गुलाब पा सकते हैं। तरीका नंबर वन, अगर आपका गुलाब का पौधा 2 साल पुराना हो चुका है और उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको अपने गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग करने का समय आ गया है। क्या होता है ना कि पौधा अधिक दिनों तक जब एक ही गमले में लगा रहता है तो उसकी जड़ें पूरे गमले में अपना कब्जा कर लेते हैं और फिर स्थान की कमी होने पर उसकी जड़ें अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से गुलाब में फूलों की कमी आ जाती है। तो आपको फिर से उस गुलाब के पौधे से फूल पाने के लिए उपाय यह करना है कि उस गुलाब के पौधे को गमले से निकाल कर, उसकी जड़ों में लगी सारी मिट्टी को निकाल कर, उसकी जड़ को साफ पानी में रख दें। उसके बाद आप गमले को साफ करके नई मिट्टी लेकर उसमें गुलाब का पौधा लगा दें। आप पुराने गमले के जगह कोई नया गमला भी ले सकते हैं, उससे बड़ा गमला ले सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुलाब के पौधे में पहले से अधिक फूल आने लगेंगे। नोट, पौधे की रिपोर्टिंग करते समय गुलाब की पुरानी शाखाओं को काट देना चाहिए और मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट को मिला लेना चाहिए। तरीका नंबर दो, गुलाब के पौधे में जब पहला फूल आए तो उसे तोड़ लें। उस फूल को तोड़ने का भी एक तरीका होता है। आपको फूल के नीचे एक साथ 3 पत्तियां जहां तक दिखें और जहां से 5 पत्तियां दिखनी शुरू हो जाएं, तो जहां से 3 पत्तियां दिखना शुरू हो जाएं तो वहां से उस हिस्से को फूल सहित काट दें। तरीका नंबर तीन, जिस गमले में गुलाब लगा हो उसकी मिट्टी में आयोडीन नमक या मैग्नीशियम सल्फेट का 1-1 चम्मच डाल दें। इसके साथ ही 0.5 चम्मच पोटास भी डाल दें। ध्यान रहे कि चीजें आप पौधे के तने के आसपास बिल्कुल न डालें, गमले के किनारों पर डालें। आप आयोडीन नमक, मैग्नीशियम सल्फेट और पोटास की उतनी ही मात्रा लेकर उसको पानी में मिलाकर आप गुलाब के पौधे की पत्तियों पर स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे पौधे को सीधे पत्तियों से पोषण मिलता है। आप अपने गुलाब के पौधे में गोबर की खाद डाल सकते हैं और ब्लूम बडी नामक खाद भी मिला सकते हैं, जो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल प्लांट फॉर होम गार्डन को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे आने वाले नए वीडियो आपको आसानी से मिल जाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पेड़ पौधे लगाते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।